हाय फ्रेंड, सुषमा की रसोई से मैं आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को खिचड़ी बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 अनियन लिए हैं, 4-5 लहसुन की कलियाँ, 1/2 इंच अदरक और 2 मिर्ची। मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अदरक लहसुन अनियन को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। खिचड़ी बनाने के लिए मैंने 1 कप चावल, 1/2 कप मूंग की दाल और फोरन डालने के लिए तेज पत्ते, कुछ गरम मसाले और 1/2 चम्मच जीरा लिया है। एक तरफ मैंने पानी को बॉईल होने के लिए पतीले में रख दिया है, दूसरी तरफ कढ़ाई में मेरी घी भी गरम हो चुकी है। अब मैं इसमें फोरन डालूंगी। हल्का सा चटक जाएगा तो उसके बाद मैं चॉप की हुई अनियन इसमें डाल दूंगी। मिर्ची को बीच से मैंने फाड़ कर डाला है, इससे ज़्यादा तीखी भी नहीं बनती है और स्वाद भी आती है। प्याज को मैं हल्का ब्राउन होने तक भूनूंगी। प्याज हल्की ब्राउन हो गई है, अब मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी मिक्स करूंगी। 1 टमाटर कट करके रखा है, इसे भी मैं ऐड कर दूंगी। हल्का भूनने के बाद मैं चावल इसमें ऐड कर दूंगी। चावल और दाल को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब मैं धोया हुआ चावल इसमें ऐड कर दूंगी। इसे 1 मिनट तक मैं इसी में चलाऊंगी। इसके बाद मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करूंगी। इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ। नमक को अच्छी तरह मैं मिला लूंगी। इधर पानी भी खोल गया है, अब इस पानी में मैं दाल और चावल को डाल दूंगी। चावल को मैंने इसमें ऐड कर दिया है, अब मैं लो टू हाई फ्लेम में इसे ढक कर रख दूंगी 5 मिनट के लिए, कहीं खिचड़ी नीचे में पतीले के चिपक ना जाए। और इसे चलाते रहना पड़ेगा। खिचड़ी आधी पक चुकी है, अब इसमें हम ढक्कन नहीं लगाएंगे और बराबर इसे चलाते रहेंगे। खिचड़ी लगभग मेरी पक गई है, 2-3 मिनट में पूरी तरह से ये रेडी हो जाएगी। खिचड़ी मेरी रेडी हो गई है, अब मैं इसमें 1/4 टेबल स्पून चीनी डालूंगी, क्योंकि खिचड़ी ज़रा मीठा ही अच्छा लगता है, बट चीनी डालना इज़ टोटली ऑप्शनल। अगर आपको पसंद है तो डालिए, वरना कोई बात नहीं। ऐसे खिचड़ी हल्का मीठा स्वाद अगर खिचड़ी में आए तो खाने में काफ़ी बढ़िया लगता है। खिचड़ी पककर रेडी हो गई है, अब आप इसे गर्मा गर्म घी डालकर चोखा और चटनी के संग खा सकते हैं।